गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। मायसेल्फ केशव शर्मा फ्रॉम डैफोडिल्स स्कूल। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपने अभी अपनी ऑनलाइन क्लासेज शुरू कर दी होगी, और जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो लेक्चर देखना शुरू नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी अपनी ऑनलाइन एजुकेशन से जुड़ें। आज हम क्लास सिक्स के लिए चैप्टर नंबर फर्स्ट पेज नंबर 113, तो सभी बच्चे अपनी बुक्स उठाएं और पेज नंबर 113 खोल लें। शुरू करते हैं अपना चैप्टर वह चिड़िया, जो जिसके लेखक हैं हमारे केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है, तो शुरू करते हैं। वह चिड़िया जो चौंच मारकर दूध भरे जुंडी से दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली हूँ मैं, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। तो इस पंक्ति में कवि क्या कहना चाह रहा है? तो इसके पहले तो कुछ कठिन शब्द है, जैसे दूध भरे का अर्थ होता है रस से भरे हुए कच्चे या अधपके हुए फल या हो, बीज हो, कुछ भी हो, मतलब जो कच्चे हो, अधपके हो। मतलब जुंडी का होता है ज्वार। ठीक है, रुचि से मतलब चाव से, मतलब या पसंद से। ठीक है, रस से मतलब स्वाद से, स्वाद लेकर खाना भाई, रस लेके खाना खाते अपन, उसी प्रकार स्वाद लेके खाना अर्थ होता है इसका। ठीक है, अगला है संतोषी, मतलब संतोष करने वाली, अथवा जिसका जितना मिल जाए उसी में प्रसन्न हो जाना। संतोषी का अर्थ ये होता है जितना हो उतने में ही खुश रहें। ठीक है, तो आइए इसका संदर्भ और प्रसंग देखते हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित कविता वह चिड़िया जो से लिया गया है। तो यह पंक्ति प्रत्येक संदर्भ के अंदर लिखनी है, इस चैप्टर के प्रत्येक संदर्भ के अंदर आपको इस पंक्ति को लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित वह चिड़िया जो से लिया गया है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने अपने अंदर की कल्पित चिड़िया का वर्णन करते हुए अपने संतोषी स्वभाव का स्पष्ट किया है। ठीक है, तो इसमें कवि क्या कहना चाह रहा है कि कवि अपने मन को उस चिड़िया से तुलना कर रहा है कि, और वर्णन कर रहा है कि जिस प्रकार चिड़िया का मन संतोषी है उसी प्रकार कवि का मन भी संतोषी स्वभाव वाला है। ठीक है, तो आइए व्याख्या करते हैं। वह चिड़िया जो चौंच मारकर, तो कवि क्या कहना चाहता है, कवि के भीतर की कल्पित चिड़िया कहती है। कल्पित चिड़िया मतलब कल्पना युक्त चिड़िया है, जो वो कहती है कि मैं नीले पंखों वाली हूँ और मुझे अधपकी रसीली बालियों से जुड़ी अर्थात ज्वार के दाने खाना बहुत पसंद है। तो जो ये कल्पित कवि के मन की जो कल्पित चिड़िया है वो नीले पंखों वाली है और क्या कह रही है कि मुझे अधपकी और रसीली बालियों से जुंडी के दाने अर्थात ज्वार के दाने खाना बहुत पसंद है, मैं उन दानों को बड़े चाव से खाती हूँ, मतलब बहुत प्यार से प्रेम से खाती हूँ, मतलब रस लेके खाती हूँ उनको। ठीक है, पसंद करती हूँ मैं वो छोटे छोटे अधपके ज्वार के दाने, मुझे इन्हें खाने में बहुत स्वाद मिलता है, मुझे इन्हें खाने में बहुत स्वाद मिलता है, मतलब ये बहुत ही रस भरे हैं। ठीक है, मैं नीले पंखों वाली अपने भोजन से संतुष्ट हूँ। तो कल्पित चिड़िया क्या कह रही है कवि के मन की कि मैं संतोषी चिड़िया हूँ नीले पंखों वाली और मुझे अपने भोजन से संतुष्टि है, मुझे अन्न से बहुत प्रेम है। मतलब जो चिड़िया होती है, मतलब जो कोई पक्षी होता है वह ज़्यादातर अन्न ही खाते हैं। ठीक है, तो क्या कह रही है चिड़िया, मुझे अन्न का अर्थ था अनाज, तो मुझे अनाज से बहुत प्रेम है। इसके माध्यम से कवि ने अपने संतोषी स्वभाव को प्रकट किया है। तो अभी मैंने आपको व्याख्या शुरू होने से पहले संदर्भ के अंदर बताया था कि कवि अपने मन को चिड़िया के भाव के रूप में व्यक्त कर रहा है। तो जो कल्पित चिड़िया है वह कोई और नहीं कवि का मन है। ठीक है, तो इसके कुछ प्रश्न उत्तर हैं, आइए देख लेते हैं। कवि ने कैसे पंखों वाली चिड़िया का वर्णन किया है? तो कवि ने नीले पंखे वाली चिड़िया का वर्णन किया है। ठीक है, अगला है चिड़िया किसके दाने कैसे खाती है? तो चिड़िया किसके दाने खाती है, जुंडी मतलब ज्वार के दानों को बड़े चाव के साथ खाती है। ठीक है,
अगला है आपका, चिड़िया ने स्वयं को कैसा बताया है। तो चिड़िया ने स्वयं को अपने भोजन के प्रति संतुष्टिपूर्ण, मतलब मैं नीले पंखों वाली हूँ और भोजन के जो भोजन से मैं संतुष्ट हूँ और मुझे अन्न से बहुत प्रेम है, ठीक है। तो उसने स्वयं को अपने भोजन से संतुष्ट होने वाला बताया और उसे अन्न से बहुत प्रेम है। अगला है, कवि के अंदर की कल्पित चिड़िया क्या क्या करती है। तो काव्यांश के अंदर कवि की जो कल्पित चिड़िया है वो चौंच मारकर, जो कवि ने वो कल्पित चिड़िया का वर्णन किया है वो क्या कह रही है, मैं नीले पंखों वाली हूँ और मुझे अदब की रसीली बालियों जो जुड़ी, मतलब ज्वार के दाने, ठीक है, वो बहुत पसंद है और उन्हें मैं चौंच मारकर और बड़े चाव से खाती हूँ, ठीक है। तो ये पहला चैप्टर आपका ये पहला पैराग्राफ आपका कंप्लीट हुआ। कुछ क्वेश्चन आंसर थे जो भी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए, आगे बढ़ते हैं। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली हूँ मैं, मुझे बिजन से बहुत प्यार है। तो आइए पहले इनके कुछ कठिन शब्द देख लेते हैं। कंठ का अर्थ होता है गला, बूढ़ा होता है पुराना, ठीक है, की खातिर होता है के लिए, मतलब किसी के खातिर या किसी के लिए, ठीक है। रस उड़ेल कर, तो मधुर स्वर में, रस उड़ेल कर अर्थ मधुर स्वर में, मुंह बोली मतलब मान ली गई, बिजन का अर्थ होता है निर्जन स्थान या जंगल, ठीक है। तो आइए इसका पहले संदर्भ और प्रसंग देखते हैं। तो संदर्भ और प्रसंग में क्या है, प्रस्तुत काव्यांश केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित वह चिड़िया जो से लिया गया है, ठीक है। ये लाइन आपको हर संदर्भ और प्रसंग के अंदर लिखनी है। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने चिड़िया के माध्यम से अपने जंगल प्रेम को प्रकट करते हुए अपने स्वभाव की मधुरता स्पष्ट की है। तो इसमें कवि ने अपने स्वभाव की मधुरता को स्पष्ट किया है कि कवि कितना मधुर है, कितना कोमल स्वभाव वाला है, ठीक है। आइए इसकी व्याख्या करते हैं। तो वह चिड़िया जो कंठ खोलकर, तो कवि इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाह रहा है कि जो कल्पित चिड़िया है, ठीक है, जो कल्पित चिड़िया है वह कंठ खोलकर, मतलब अपना गला खोल के, ठीक है, बूढ़े वन बाबा की खातिर, तो जो बूढ़े वन बाबा है अर्थात जो पुराना जंगल है, जो पुराना जंगल है उसमें अपना कंठ खोलकर रस उडेल कर गा लेती है। अर्थात रस उडेल कर मतलब कि क्या बताया था मैंने, मधुर स्वर में अपना संगीत सुनाती है, अर्थात खुले हुए मधुर गीत गाती है, ठीक है। वो अपने कंठ से, मतलब अपने गले से मधुर मधुर गीत गा रही है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। मैं उस बूढ़े बाबा अर्थात पुराने जंगल की मुँह बोली छोटी बहन हूँ, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया, ठीक है। तो वह छोटी मुँह बोली चिड़िया, तो कवि क्या कह रहा है कि मैं उस बूढ़े बाबा अर्थात पुराने जंगल की मुँह बोली छोटी बहन हूँ, ठीक है, मैं नीले पंखों वाली हूँ और मुझे इस जंगल से बहुत प्यार है, मतलब मुझे इस निर्जन स्थान से बहुत प्यार है, जहाँ पे इंसान नहीं होते वहाँ पे ये पक्षी अपना बसेरा करते हैं और उनको वह जगह पसंद भी आती है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन के प्रश्न उत्तर है इनको भी देख लेते हैं। चिड़िया कैसे और किसके लिए मधुर गीत गाती है। तो क्या कह रही है, चिड़िया किसके लिए मधुर गीत गाती है, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उडेल कर गा लेती है। तो वह चिड़िया मतलब कि चिड़िया अपने खुले हुए या मुक्त कंठ से उस बूढ़े वन बाबा, मतलब पुराने जंगल के लिए रस भरे गीत गाती है, ठीक है, यह मधुर गीत गाती है। अगला प्रश्न है आपका, चिड़िया का बनबाबा से क्या संबंध है। तो चिड़िया का बनबाबा से क्या संबंध है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया, ठीक है। तो वह मुँह बोली छोटी चिड़िया, तो बूढ़े बनबाबा का छोटी चिड़िया से मुँह बोली बहन का नाता है, ठीक है। अगला है आपका, चिड़िया को किससे बहुत प्यार है। तो चिड़िया को किससे बहुत प्यार है, मुझे बिजन से बहुत प्यार है। तो कवि क्या कह रहा है, चिड़िया को किससे ज़्यादा प्यार है कि उसे निर्जन स्थान या उस जंगल से बहुत प्यार है, ठीक है। मुँह बोली चिड़िया कैसी है, तो मुँह बोली चिड़िया कैसी है, मुँह बोली चिड़िया छोटी और नीले पंखों वाली है, ठीक है।
ये कुछ प्रश्न उत्तर थे आपके इस गद्यांश सॉरी इस पद्यांश के। तो इनको आपको अपनी बुक के अंदर होमवर्क में करना है, और आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो अपने संबंधित अध्यापक से कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे होम एंड स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।